गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5, डज इट लुक द सेम। डज इट लुक द सेम मीन्स सेम दिखता है या नहीं दिखता है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, उनको देखना है ध्यान से और आपको बताना है वो सेम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, लेट्स मेक पैटर्न फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर। कलर के एक बूंद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पैटर्न बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये कह रही है आई हैव मेड दीज पैटर्न्स फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर, यू कैन मेक देम टू। ये कह रही है कि मैंने यहाँ पर अ ड्रॉप ऑफ कलर से यहाँ पर कुछ पैटर्न्स बनाए हैं, पैटर्न ए, पैटर्न बी, आप भी बना सकते हैं। मेक योर पैटर्न, टेक अ सीट ऑफ पेपर। सबसे पहले एक पेपर का एक सीट ले लेना है एंड फोल्ड इट इन टू हाफ, और उसको हाफ मोड़ देना है। ओपन द फोल्ड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ कलर, उसके बाद जहां से मोड़े हैं उसको खोल देंगे और वहां पर एक बूंद या वन ड्रॉप ऑफ कलर वहां पर डाल देंगे बिल्कुल मिड लाइन पे। एंड फोल्ड इट ट्वाइस एंड प्रेस इट टू स्प्रेड द कलर, उसके बाद उसको दो बार मोड़ देना है और उसके बाद उसको थोड़ा प्रेस कर देना है ताकि वो कलर स्प्रेड हो जाए, फैल जाए। उसके बाद ओपन इट एंड सी अ ब्यूटीफुल कलर, उसके बाद उस पेज को पूरी तरह से खोल देंगे तो देखेंगे वहां पर उस पेज पे एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बन जाता है। कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच अ वे दैट यू गेट टू सिमिलर मिरर हाफ। कहता है कि क्या आप इस पैटर्न को इस तरह से काट सकते हैं कि दो सिमिलर मिरर हाफ में ये बट जाए। जैसे यहां पर देखिए, आप ध्यान से इस पिक्चर को देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जैसे यहां से एक अगर इसको हम काटेंगे तो ये दो मिरर हाफ में क्या हो जाएगा, बट जाता है। यहां से अगर हम इसको बिल्कुल मिडिल से होकर के क्रॉस करें, काटे, तो ये दो मिरर हाफ में क्या होता है, बट जाता है। मिरर हाफ का मींस जैसे हम यहां पर ये जब रखते हैं तो इसका जो इमेज बनता है वो बिल्कुल कैसा बनना चाहिए, सेम बनना चाहिए। जैसा इधर मिरर में यहाँ पर जैसा बन रहा है ठीक वैसा ही इमेज दूसरे साइड बनना चाहिए। उसी तरह अगर हम यहां से रखते हैं तो हम देखते हैं कि वो सेम मिरर क्या होता है, सेम इमेज फॉर्म नहीं होता है। जैसा नीचे है वैसा ऊपर में इसके यहां पर नहीं है, तो इसीलिए इसको हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं, टू इक्वल मिरर हाफ में बांट सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट, कितने तरीके से बांट सकते हैं, तो एक तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, टू इक्वल मिरर हाफ्स में बांट सकते हैं। द डॉटेड लाइन्स डिवाइड द शेप इंटू टू मिरर हाफ्स, बट इफ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन द लेफ्ट हाफ डज नॉट कवर द राइट हाफ कम्प्लीटली। कहता है यहां पर भी एक पैटर्न को देखिए, यहां पर डॉटेड लाइन के द्वारा इस शेप को दो हाफ में बांटा गया है, टू हाफ में बांट दिया गया है, लेकिन जब हम इसे डॉटेड लाइन्स के साथ फोल्ड करते हैं, यहां हाफ से इसको फोल्ड कर देंगे तो ये पूरी तरह से इसको कवर नहीं करता है। इस पार्ट को देखिए, यहां पर इसको जब फोल्ड किया गया तो ये इसको पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता है, तो इसीलिए टू हाफ्स आर नॉट मिरर हाफ्स, ये जो दो हाफ्स है ये मिरर हाफ्स नहीं है। लुक एट अनदर शेप, यहां पर एक और शेप दिया गया, उनको देखिए। इफ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन, अगर आप इस शेप को यहां डॉटेड लाइन्स के साथ फोल्ड करते हैं, यहां से इसको हाफ फोल्ड करते हैं, वन हाफ विल कवर द अदर सिमिलर हाफ कम्प्लीटली, तो एक हाफ जो है वो दूसरे हाफ को पूरी तरह से कवर कर देगा। जैसे कि यहां पर देखेंगे आप इसी चीज को, इसी शेप को यहाँ हाफ से डॉटेड लाइन से क्या किया गया है, फोल्ड कर दिया गया। कवर फोल्ड करने के बाद देखा गया ये जो पार्ट है इस पार्ट को पूरी तरह से कवर कर देता है, तो इसीलिए ये जो है टू हियर आर मिरर हाफ, ये जो दो है ये मिरर हाफ है। इसी तरह से यहाँ जो बैग आप देख रहे हैं तो इसको यहाँ डॉटेड लाइन से अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, टू इक्वल मिरर हाफ हो जाता है। ये स्टार देख रहे हैं, ये भी क्या है, टू मिरर हाफ्स है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, पेज नंबर 73 में कहता है विच शेप्स आर डिवाइडेड इनटू टू मिरर हाफ्स बाय द डॉटेड लाइन। यहाँ पर बहुत सारे शेप्स दिए गए हैं, आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत सारे, टोटल 15 शेप्स हैं। उनमें देखना है आपको कि विच शेप्स आर डिवाइडेड इंटू टू मिरर हाफ्स बाय द डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन के द्वारा
कौन सा शेप दो मिरर हाफ्स में बटा हुआ है, टू मिरर हाफ में बटा हुआ है। मिरर हाफ का मतलब है कि जैसे ये जहां पर ये डॉटेड लाइन दिया गया है, जब यहां पर हम मिरर रखेंगे तो ये इमेज बिल्कुल एग्जैक्ट उस मिरर में बनना चाहिए। अगर हम इस साइड यहां रखते हैं मिरर ऐसे करके, तो इस ये वाला पार्ट उस मिरर में पूरी तरह से बनना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के क्वेश्चन नंबर टू का बताते हैं। जैसे ये देखना है टू मिरर हाफ है या नहीं है। तो ये जब हम इसके यहाँ पर डॉटेड लाइन पे ये रखते हैं मिरर को, तो देखते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट शेप इस तरह का बनता है। लेकिन यहां पर जब पिक्चर जो है उसमें वो पीछे की तरफ ये मुड़ा हुआ है, ये इस साइड की तरफ क्या है मुड़ा हुआ है, पीछे की ओर मुड़ा हुआ है। जबकि इसका जो मिरर हाफ होना चाहिए, मिरर हाफ में कैसा इमेज बनना चाहिए था, तो इधर की ओर मुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे ये इधर मुड़ा हुआ है वैसे ये भी इधर ही मुड़ा हुआ होना चाहिए, तो ये मिरर हाफ नहीं कहलाएगा। जैसे इसको देखते हैं, इसको जब हम यहाँ डॉटेड लाइन पे रखते हैं मिरर को, तो देखते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेम शेप, सेम सब कुछ है, साइज शेप कलर सब कुछ सेम है, और इसी तरह का इमेज यहाँ पर देखते हैं हम इस साइड बना हुआ है। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये मिरर हाफ है, टू मिरर हाफ में बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है तो यहाँ पर जब हम रखते हैं तो देखते हैं कि इस तरह से क्या होता है शेप बनता है, डॉटेड लाइंस पे ठीक से रखते हैं। तो इस तरह का शेप बनना चाहिए, लेकिन यहां पर देखते हैं तो वो नहीं है, क्योंकि ये रेड वाला पार्ट ऊपर में रेड नहीं है, व्हाइट के ऊपर में व्हाइट नहीं है, यहाँ रेड के ऊपर में ये व्हाइट है और व्हाइट के ऊपर में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेड है। तो इसीलिए ये टू मिरर हाफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू के बारे में भी पहले ही बता चुके हैं कि ये टू इक्वल मिरर हाफ में नहीं बटा हुआ है। उसके बाद जब हम क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, शेप नंबर थ्री को देखते हैं, तो देखते हैं कि इस तरह से बनना चाहिए इमेज, जितना इधर इक्वल इधर जितना है साइज उतने साइज में उस साइड नहीं है, इधर इधर देखेंगे ज्यादा पार्ट है, ज्यादा एरिया है, और इधर इधर वाला पार्ट कम है, इतना ही पार्ट इस साइड भी होना चाहिए था, तभी ये टू इक्वल मिरर हाफ होता। अभी ये नहीं है तो वन नंबर भी नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे नो। आपको शेप बना लेना है और उसके बाद लिखना है यहाँ पर, जैसे ये भी नो हो गया, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा नो, ये भी टू मिरर हाफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर है, फोर में देखते हैं कि मिरर हाफ इसका कैसे बनना चाहिए, किस तरह से बनना चाहिए। तो देखिए उस साइड भी उसी कलर का होना चाहिए, जैसे इस साइड ये ब्लू कलर है, ये वाला कलर भी इधर इधर भी यही कलर होना चाहिए था, लेकिन इस साइड व्हाइट कलर दिया हुआ है, तो इसीलिए ये टू इक्वल मिरर हाफ नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा नो। क्वेश्चन नंबर फाइव के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि ये है, आप देख सकते हैं ये टू इक्वल मिरर हाफ है या नहीं है, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बनता है, सेम सब कुछ, और उसी वैसा ही फिगर यहाँ पर बना हुआ है। मिरर में जो इमेज बनता है उस इस साइड दूसरे साइड वैसा ही इमेज बनना चाहिए, तभी वो टू इक्वल मिरर हाफ कहलाएगा। शेप नंबर सिक्स को देखते हैं, सिक्स में इस तरह का इमेज बनता है मिरर में, और इस साइड यही इसी तरह का इमेज बना हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा यस। अब आप खुद से भी देख सकते हैं ये है इसी तरह का इमेज इस साइड बना हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा यस। आपको उसी तरह से उसके बाद एट, शेप नंबर एट है, एट में भी क्या हो जाएगा एट यस, यहाँ पर जिस तरह का शेप है वैसा ही शेप इधर नीचे भी बना हुआ है, सब कुछ कलर साइज शेप सब कुछ सेम है। उसके बाद नाइन नंबर में, नाइन नंबर में क्या है, तो नाइन नंबर में आप देखेंगे इस तरह का शेप बनता है मिरर में, जब हम यहाँ डॉटेड लाइन पे मिरर रखते हैं तो इस तरह का शेप दूसरे साइड बनना चाहिए, लेकिन वो ऐसा शेप नहीं है। यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो है एंटीना इसका वो इधर नहीं है, तो इसीलिए ये टू मिरर हाफ नहीं होगा नो। यहाँ पर इस शेप में जब हम रखते हैं शेप नंबर टेन में, तो इस तरह का शेप बनना चाहिए, यहाँ पर रेड होना चाहिए, यहाँ ब्लू ग्रीन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसीलिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा नो।
10 नंबर हो गया। फिर 11 नंबर, 11 नंबर में देखते हैं कि इस तरह का शेप बनना चाहिए, अगर ये मिरर हाफ होता तो इस तरह का शेप बनना चाहिए, और इस तरह का नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो। उसके बाद 12 नंबर भी आप देख ही सकते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये सेम कलर इस साइड होना चाहिए था, या ये वाला साइज जो जैसा ये जो शेप बना हुआ है इस तरह का इधर भी होना चाहिए था, नहीं है। 13 नंबर देखिए, ये भी एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि देखेंगे इस साइड ज्यादा एरिया है, ज्यादा पार्ट है, और ये खास करके लास्ट से इसकी फीस है, ये फीस के टेल साइड से देखेंगे तो इधर ज्यादा पार्ट लिया गया और इधर कम पार्ट लिया गया, तो इसीलिए ये 2 मिरर हाफ नहीं है, नो हो जाएगा यहाँ पर। और 14 नंबर भी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और लास्ट में है 15 नंबर, तो 15 नंबर को देखते हैं कि इस तरह का शेप बनना चाहिए, दूसरे साइड मिरर हाफ में आप देख रहे हैं कि इस तरह का शेप बनना चाहिए और बिल्कुल ऐसा शेप बना हुआ भी है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस। थैंक यू।